नमस्ते, एम ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम संस्कृत प्यूषम कक्षा 7 की पुस्तक से त्रयोदश पाठ यानी कि 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। बच्चों, यह पाठ महाभारत से लिया गया है, जब पांडव वनवास में होते हैं। एक बार युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगती है तो वह अपने भाइयों को जल लेने के लिए जलाशय पर भेज देता है। वहाँ पर उनसे यक्ष कुछ प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर न देने के कारण चारों भाई जो है वह मूर्छित हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर स्वयं आते हैं और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो बच्चों, हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। यक्ष उचाप, यक्ष बोलते हैं, किस्वित गुरुतरम भूमि, भूमि पर पृथ्वी पर कौन गुरु से बड़ा है। किस्वित दुरुचतरम चाखात, खात माने आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। किस्विच्छी धृतम वायो, हवा से तीव्र क्या है। किस्वित बहुतरम तृणात, ईंधन से ज्यादा तेज चलाने वाला क्या है। युधिष्ठिर उचाप, युधिष्ठिर बोलते हैं, माता गुरुतरा भूमि, पृथ्वी पर माता जो है वह गुरु से बड़ी है। पितोच्चतर स्थिता, पिता जो है वह आसमान से ऊंचे हैं। मन शीघ्रतरम वाता, वायु से ऊंचा क्या है, वायु से तीव्र गति से चलने वाला क्या है मन। चिंता बहुतरणी तृणात, चिंता जो है वह ईंधन से ज्यादा तेज जलाने वाली होती है। यक्ष उचाव, कहा शत्रु दुर्जनः पुसाम कष्ट व्याधीर नंतक, यानी कि पुसाम माने मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। कष्ट व्याधीर नंतक, व्याधि माने बीमारी, कभी ना खत्म होने वाली बीमारी कौन सी है। की दृश्यच स्मृत साधुर साधुः, की दृश्य स्मृत यानी कि जिसको साधु कहा जाता है, साधु या सज्जन किसको कहा जाता है, और असाधु कौन, असाधु या दुर्जन कौन माना गया है। युधिष्ठिर उचाप, युधिष्ठिर बोलते हैं, क्रोधः सुदर्जनः शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः, यानी कि क्रोध जो है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी ना व्याधिरनन्तक, कभी ना खत्म होने वाली बीमारी क्या है, लोभ। सर्वभूत हित साधुर साधुर निर्दयः स्मृत, सभी लोगों का हित चाहने वाला साधु कहा गया है, और निर्दय यानी कि जिसमें दया ना हो वह असाधु कहा गया है। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।